आइए आज मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाऊं जो YouTube पर नहीं है। क्या आप जानते हैं स्मैक ऑफ क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं कि स्मैक ऑफ क्या है। स्मैक ऑफ का मतलब होता है का स्वाद देना। जैसे मान लीजिए अक्सर आप कहते हैं यह टॉफी कॉफी का स्वाद देता है, इस सूप में मछली का स्वाद है, या फिर आप ये कहते होंगे इस चिप्स में आलू का स्वाद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी चीज में किसी चीज का स्वाद है यानी टेस्ट है को बोलने के लिए आप स्मैक ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो इस टॉफी में कॉफी का स्वाद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस टॉफी इज स्मैक्स ऑफ कॉफी, यानी इस टॉफी में कॉफी का स्वाद है या कॉफी का टेस्ट है। अगर आपको कहना हो इस सूप में मछली का स्वाद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस सूप इज स्मैक्स ऑफ फिश, यानी इस सूप में मछली का टेस्ट है या स्वाद है। इस चिप्स में आलू का स्वाद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस चिप्स इज स्मैक्स ऑफ पोटैटो, यानी इस चिप्स में आलू का स्वाद है। अगर आपको कहना हो इस मिठाई में घी का स्वाद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस स्वीट इज स्मैक्स ऑफ घी, यानी इस मिठाई में घी का स्वाद है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से समझा कि स्मैक ऑफ का मतलब होता है का स्वाद होना यानी टेस्ट का होना। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्मैक का मतलब चाटा मारना भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसकी बीबी अक्सर उसे चाटा मारती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज वाइफ ऑफन स्मैक्स हिम, यानी उसकी बीबी अक्सर उसे चाटा मारती है। अगर आपको कहना हो उसे चाटा मत मारो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज डोंट स्मैक हिम, यानी मेहरबानी करके उसे चाटा न मारो। अगर आपको कहना हो तुमने मुझे चाटा क्यों मारा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वाई डिड यू स्मैक मी, यानी तुमने मुझे चाटा क्यों मारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।